सबका सादर प्रणाम। आज हम सुखी रहना इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये 1047 एपिसोड है। जब भी हमें भगवान के बारे में, सत्य के बारे में, ईमानदारी के बारे में सोचते हैं, तब हमें एक अनोखे शांति और सुख का महसूस होता है। आज हम तिरुवल्लुवर का लिखा हुआ कुरल ग्रंथ तिरुकुरल से 352 कुरल के बारे में जानने वाले हैं। तो खुशी होना, सुख रहना, आनंद पाना, जो इंसान डर और अपराधी भावना को छोड़कर वास्तविकता का अनुभव पाता है, उस स्थिति अज्ञान और पीड़ा का अंधकार मिटा के उसको परमानंद स्थिति प्राप्त होता है। अज्ञान क्या होता है जानना बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान का भी सही जानकारी हमें होना चाहिए। बुद्धिमत्ता के बारे में आप भी सब जरूर जानना चाहिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और सच्चा काम क्या है, क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए और उत्तर का तलाश भी करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी का प्रधान लक्ष्य होता है सुखी रहना, तो उदासीन और दुख को दूर करना चाहिए। जब हम सही कर्तव्य का बेखबर होकर जो भी काम करते हैं, हम दुख का सामना करना पड़ता है। तो हमें इंसान का सही कर्तव्य क्या है उसके बारे में जानकारी पाकर उस ढंग में जीने से हमें सुख और आनंद निश्चित रूप से मिल जाता है। ज़िंदगी बस सुख से भरा हुआ है और दुख हमारे गलत कामों का परिणाम है। इसलिए जो काम से उदासीन और दुख होता है उसको हमें पहचान के तुरंत मिटाना चाहिए। सही काम क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी हमें जानना ज़रूरत है, और ज्ञान पाने के लिए हमें पवित्र ग्रंथों का पठन और सच्चा गुरु का मार्गदर्शन में होना भी चाहिए, और उनका आदर्शों का पालन करके ज़िंदगी का सही अर्थ पहचानना चाहिए। तभी हमें असली सुख और आनंद प्राप्त होता है। कोई भी परिस्थिति किसी भी उम्र में हमें सही रास्ता चुन सकते हैं। खुश रहने के लिए बुद्धिमान, धनवान या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, और बस आपको तन, मन, प्राण और सभी कामों में सच्चा, ईमानदार और नैतिक होना चाहिए। इससे अपने आप आपको खुशी, सुख और आनंद मिल जाता है। आप किसी चीज़ के बारे में बिना सोचे अभी से अभी सच्चाई के रास्ते में आकर सुख और आनंद पा सकते हैं। इस बारे में आपको कोई भी संदेह हो तो आप मेरे गुरु तिरु मणिमोली इलंगो का मोबाइल पर संपर्क कीजिए। इसका मोबाइल संख्या है 9042849287। आप सत्यलोक संस्था में खुद आकर इधर रहकर संतोष, सुख, आनंद जीने में क्या होता है ये मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें इस दुनिया में बस सुखी और खुश रहने के लिए ही भेजा है। जो भी सोच में, बातों में, कामों में सच होता है वो सब आपको खुशी और चैन से जीने के लिए मदद करता है। आप सुखी रह सकते हो। ये जानकारी आपके साथ बांटने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। कल दूसरी एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।